हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ओनली वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डॉज कॉइन के लेटेस्ट ट्वीट के बारे में बात करेंगे जो कि इलोन मस्क सर ने किया हुआ है, और जानेंगे कि मतलब क्यों इन्होंने किया है। और इसका जो क्विकली अपडेट था मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था यहाँ पर, जो कि इलोन मस्क ने ट्वीट किया था। क्या इसके बाद डॉज कॉइन पंप करेगा या नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इलोन मस्क ने ये ट्वीट क्यों किया है और किसके पोस्ट पर किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करेंगे। उससे पहले, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है, जो भी अपडेट होती है, सबसे पहले यहाँ पर हम शेयर कर देते हैं। और यहाँ पर बाइनेंस के फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग के सिग्नल शेयर करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट देते हैं। और अभी तक अगर आपने किसी भी एक्सचेंज पर अपना आईडी अकाउंट नहीं बनाया है तो यहां पर देखिए, मैंने पिन मैसेज में भी कर दिया है, यहां सारे लिंक दे दिए हैं, जो भी आपका फेवरेट उस पे आप यहां पे अपना एक्सचेंज बना सकते हैं। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको कि बाइनेंस रिलेटेड, वहां पे जैसे जाएंगे आपको सारे चीज मिल जाएगा, हाउ टू डिपॉजिट बाइनेंस, हाउ टू विड्रॉल, जो भी हो सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहां पे जो है हमारा डॉज कॉइन, यहां पर मैं ट्विटर ओपन कर ले रहा हूं अपना, एक मिनट। तो यहां पे देखिए, कॉइन डिस्क ने एक पोस्ट किया, एक ट्वीट किया है जो कि इथेरियम्स के बारे में, इथेरियम हाई चार्ज ले रहा है लोगों से, मतलब डिफाई इनकेसिबल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इथेरियम्स हाई ट्रांजैक्शन फीस हैव मेड डिफाई इनकेसिबल टू स्मॉल इन्वेस्टर्स। और रिपोर्ट यहाँ पे कुछ बोले हैं, गॉड बोले कुछ इनका नाम है, कुछ शायद इसके फाउंडर वगैरह यहाँ पे लिखा होगा, राइटर एट। तो मतलब इनका कहना है, मतलब है कि अगर यहाँ पे इथेरियम बहुत ज़्यादा हाई चार्ज लेता है तो यहाँ पे आप कुछ रिपोर्ट करिए या कुछ भी, मतलब है इसका। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने चार्ट शेयर किया, यहाँ पे चार्ट देखिए पोस्ट पे, जो कि इनके शायद ये सब ट्रांजैक्शन फीस से रिलेटेड है, मतलब डेली टू डेली कितना हाई इसका ट्रांजैक्शन जा रहा है, बढ़ रहा है। तो इसी को देखते हुए इलोन मस्क ने एक ट्वीट किया, यहाँ पर नीचे देखेंगे अगर, 2 दिसंबर आज ही का ट्वीट है, और यहाँ पे 5,000 इसके कमेंट हो चुके हैं, 5,500 इसके रिट्वीट हो चुके हैं, और 20,000 समथिंग के इसके लाइक हो चुके हैं। ठीक, और ओपन करके मैं दिखा दे रहा हूँ, ये ऑफिशियली इनका ट्विटर अकाउंट है, ये नहीं ना कि किसी ने इनके नाम के बना के कर दिया ऐसा। तो यहाँ पर देख लीजिए, 65.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और यहाँ पर इन्होंने डॉज कॉइन को मतलब डूज ही बोले, और तो कोई यहाँ पर मतलब निकलता नहीं ना इनके कमेंट का। तो यहाँ पर डूज का मतलब डॉज ही समझिए, जो कि मैं समझ रहा हूँ। और इनके कहने का मतलब ये है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया, क्योंकि मतलब जिस तरीके से जो कॉइन डेस्क हैं ये बता रहे हैं कि इथेरियम बहुत ज़्यादा हाई चार्ज वगैरह पे कर रहा है या ले रहा है इन्वेस्टर्स से, इस छोटे इन्वेस्टर्स से, तो उसके बारे में इन्होंने एक ट्वीट किया है कि डॉज कॉइन ज़्यादा सही है मतलब इथेरियम के चार्ज के मामले में। और आपको एक चीज़ और बता दें, जो कि डॉज कॉइन का जो पहले था, जब डॉज कॉइन आप बाई करते थे तब से और अभी, इसके जो फीस था बीच का वो और भी कम हो चुका है डॉज कॉइन का। ठीक, पहले जैसे आप डॉज का मतलब बाय करते तो आपको दिखेगा तो नहीं कि आपने आपका कितना रुपया चार्ज कटा, पर वो कुछ ना कुछ कट जाता, लेकिन अब क्या है, अब जो चार्ज कटता था उसका भी यहाँ पे कुछ हाफ वगैरह हो गया है, मतलब कम हुआ है, भी ये नहीं पता कितना कम हुआ है। बाकी जो इस ट्वीट का मतलब यही है। और क्या इसके बाद हमारे जो डॉज कॉइन है वो यहाँ पे जा सकता है या नहीं जा सकता, ये देख लेते हैं। अगर हम तो यहाँ पे हमने कॉइन मार्केट कैप पे ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी मतलब स्टेबल चल रहा है, कुछ खास यहाँ पे अभी इसको देखने को नहीं मिला है, ये देखिए यहाँ पे नहीं देखने को मिला है ज़्यादा। और मैंने एक वीडियो बनाया था पिछले, जिसमें मैंने इसके बारे में बताया हुआ था कि जैसे ही ये इस एंगल को ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा बूम देखने को मिलेगा। और काफ़ी ज़्यादा मैं इस पर, मेरी आँख जो है गड़ी हुई है, इस पर मेरा ध्यान है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जितने भी मैंने ऐसे वाले देखे हैं अपने, और प्रीवियस वीडियो भी अगर आप उठा के देख लें, हमने सोल का बताया हुआ था, डॉट का बताया था, और एक दो और कॉइन उसका बताया था, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिले हैं। ठीक, तो ये हो सकता है कि इसके यहाँ पे मतलब अप डाउन अभी तो चल ही रहा है, अप गया फिर यहाँ पर डाउन गया फिर अप फिर डाउन, और क्या ये इसी एंगल के अंदर ही चल रहा है, तो जहाँ पर ये मान लीजिए थोड़ा सा और भी अगर डाउन जाने के इसके चांसेस है, लेकिन उसके बाद एक अच्छा खासा यहाँ पर आपको बूम देखने को मिल सकता है। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई हो या कुछ समझ में आया हो या कुछ ना भी आया हो समझ में तो भी वीडियो को लाइक करिए, और कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करके आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। और किसी डॉज कॉइन के बारे में या किसी कॉइन के बारे में आप जानना चाहते हैं या
किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर उसको शेयर करिए, हम उस पर एक पर्सनल वीडियो बना देंगे आपके लिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।